बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंटरेस्टेड मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने मुतालिया पाकिस्तान का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसी सिलसिले में पार्ट 29 अपलोड कर लेते हैं। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं, उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 311 से। क्वेश्चन नंबर 311 हमारे पास है कि हु इज न्यूली अपॉइंटेड DGISPR ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो पहले तो ये देखते हैं कि ISPR का मुहप्पब, ये किस चीज का मुहप्पब है। इसका मतलब है इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन। और करंटली ISPR जो है वो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है और ये 21 यानी 21 नंबर पर है। इससे पहले 20 गुजरे हैं और इससे पहले जो था वो मेजर जनरल आसिफ गफूर था। इसने चार्ज 1 फरवरी 2020 को संभाला, यानी 1 फरवरी 2020 को ISPR बना था। क्वेश्चन नंबर 312 देखें। 312 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान टेस्ट फायर्ड इट फर्स्ट सबमरीन, पहला सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल बाबर 3। याद रखिए इसका नाम था बाबर 3 और 9 जनवरी 2017 को फायर किया हुआ था और उसका रेंज जो था वो 450 किलोमीटर। ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 313 देखें। द शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर इन सिंध हिस्ट्री इज, सिंध की हिस्ट्री में जो शॉर्टेस्ट गवर्नर थे गुजरे हैं वो जस्टिस रिटायर्ड सईदुज्जमान सिद्दीकी हैं। जस्टिस ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पे रह चुके हैं दोस्तों, याद रखें पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। और पाकिस्तान के पहला चीफ जस्टिस मियां अब्दुल रशीद, ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, तो मियां अब्दुल रशीद थे। तो ये तो शॉर्टेस्ट पीरियड की बात है, तो लॉन्गेस्ट पीरियड गवर्नर कौन रहे हैं सिंध के। सिंध के लॉन्गेस्ट पीरियड गवर्नर जो है वो इशरतुल इबाद रहे हैं। इशरतुल इबाद 2002 से लेकर 2016 तक मुसलसल 14 साल सिंध का गवर्नर रहा है। MQM से उसका ताल्लुक था। क्वेश्चन नंबर 314 देखे। 314 नंबर, कश्मीर डे इज ऑब्जर्व इन पाकिस्तान ऑन, कश्मीर डे 5 फरवरी, हर साल 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया जाता है और ये तजवीज किसने दी थी। ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि कश्मीर डे मनाने की तजवीज सबसे पहले काजी हुसैन अहमद अमीरी जुमात इस्लामी दिन 1990 में दिया था, 1990 में। और इस तरह कश्मीर ब्लैक डे मनाया जाता है, ब्लैक डे हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है, कश्मीर ब्लैक डे। और आज के बाद, आज 5 तारीख है, 5 अगस्त है, तो अब हर साल 5 अगस्त को यौम इस्तेहसान मनाया जाएगा, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने कश्मीर की अपनी हैसियत खत्म करके उसको अपना इलाका डिक्लेयर किया है। तो ये यौम इस्तेहसान 3 दिन हो गए दोस्तों, एक यौम कश्मीर हो गया, कश्मीर डे, ब्लैक डे हो गया और यौम इस्तेहसान। क्वेश्चन नंबर 315 देखें। 315 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान आर्मी ऑन लॉन्च ऑपरेशन रद्दुल फसाद, पाकिस्तान आर्मी ने बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं, उसमें एक रद्दुल फसाद था जो कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरे पाकिस्तान में शुरू किया गया था।
22 फरवरी 2017 को, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 316 देखें, 316 नंबर क्वेश्चन, लेबर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 मई, हर साल 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है, लेकिन ये क्यों मनाया जाता है? दोस्तों याद रखें, इसे ये 1884 की बात है, उस वक्त लेबर की जो टाइमिंग थी वो 16 घंटे, दिन में 16 घंटे काम करना पड़ता था। तो 1984 में यूरोप और अमेरिका में तहरीक शुरू हो गई लेबर्स का, मजदूरों की तहरीक शुरू हो गई, और उस तारीख का नारा था कि ये टाइमिंग जो है ये 16 से 8 घंटे कर दी जाए, और मुतालिबा किया कि ये 1 मई से लागू किया जाए, 1 मई से लागू कर दिया जाए। उनका ये मुतालिबा नहीं माना गया, तो मजदूरों ने क्या किया, हड़ताल शुरू कर दी। फिर अप्रैल 1886 में जितने भी मजदूर थे वो तमाम तकरीबन 2.5 लाख मजदूर अमेरिका के एक शहर शिकागो में जमा हो गए। तो चूंकि मजदूरों की तादाद बहुत ज्यादा जमा हो गई थी, तो उसको रोकने के लिए जदीद असलहे का इस्तेमाल किया गया, उसमें बहुत सारे लोग जख्मी हो गए, बहुत सारे हलाकतें भी हो गई थी। फिर 1889 में तजवीज पेश की गई कि 1 मई को, हर साल 1 मई को लेबर डे मनाया जाएगा। तो फर्स्ट टाइम, पहली दफा 1890 को 1 मई एज लेबर डे मनाया गया, अब ये इंटरनेशनल लेबर डे कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 317 देखे, 317, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये ए और सी, इसको थोड़ा सा फिर कंफर्म कर ले, यूसुफ रजा गिलानी और लियाकत अली खान, इसमें एक या दो दिन का फर्क है इन दोनों का, 4 साल और 2 महीने दोनों के तकरीबन। तो लेकिन मेरे ख्याल में यूसुफ रजा गिलानी का टाइम 2-3 दिन ज्यादा है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए ही हो सकता है, लेकिन इसको आपने थोड़ा सा कंफर्म करना है। तो ये तो बात होगी लॉन्गेस्ट की, शॉर्टेस्ट पीरियड किसकी है? शॉर्टेस्ट पीरियड नूरुल अमीन की है, नूरुल अमीन सिर्फ 13 दिन प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 7 दिसंबर 1971 से 20 दिसंबर 1971 तक। क्वेश्चन नंबर 318 देखे, 318 नंबर, द प्रिंसशिप गेट इज बिल्ट ऑन द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये बलूचिस्तान चमन के मकाम पर बॉर्डर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर ये गेट बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 319 नंबर, विच रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 की बात है, इसको मैं डिटेल से बयान कर चुका हूं गुजरे हुए वीडियोस में। क्वेश्चन नंबर 320 देखे, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर, इंडस रिवर इज द पाकिस्तान लॉन्गेस्ट रिवर है, जो कि तिब्बत से ओरिजिनेट करते वहां से निकलता है और अरबियन सी में सुबह सिंध में गिरता है, और इसकी लेंथ जो है 3180 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 321 नंबर, व्हाट डज द सी पैक स्टैंड फॉर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 322 देखे दोस्तों, 322 नंबर, इमरान खान इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, 22nd नंबर पर इसकी नंबर है, इससे पहले यूसुफ शाहिद खाकान अब्बासी थे, जो सिर्फ 10 महीने प्राइम मिनिस्टर, उसके उससे पहले नवाज शरीफ थे। क्वेश्चन नंबर 323 देखे, सवात वैली बिकेम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, सवात जो है ना ये पाकिस्तान, इससे पहले सवात प्रिंसली स्टेट कहलाता था, और नवाब ऑफ सवात यहां के प्रिंस थे, स्टेट के
क्या कहते हैं लीडर थे, तो एक ये ऑप्शन बी जो है 1969, और इसी साल दीर का स्टेट, दीर का नवाब आपने नाम सुना होगा, दीर का स्टेट भी पाकिस्तान में शामिल हुआ था। पेज नंबर 324 देखें, 324 नंबर, व्हेन डिड कायदे आजम ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कायदे आजम ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1913 में ज्वाइन किया था, इससे पहले वो ऑल इंडिया कांग्रेस के में शामिल थे और ऑल इंडिया कांग्रेस से 1920 में रिजाइन किया था। 325 नंबर क्वेश्चन के, व्हेन डिड कायदे आजम रिजाइन फ्रॉम ऑल इंडिया कांग्रेस एट 1920 में, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो, पसंद आने की जरूरत है प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।